नमस्कार दोस्तों, ये सेबी की मल्टी कैप फंड्स पे जो नई रेगुलेशन आई है उसकी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे वो कौन सी टॉप 5 होल्डिंग्स हैं मल्टी कैप फंड्स में, स्मॉल कैप सेक्टर में और मिड कैप सेक्टर में, तो जिन पे आप नजर डाल सकते हैं, जिसपे अपनी एनालिसिस कर सकते हैं और हो सकता है ये शेयर आपके नेक्स्ट मल्टी बैगर साबित हो। चलिए देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इस इंडस्ट्री का हिसाब किताब क्या है। दोस्तों, जो एज ऑफ अगस्त 2020 का जो डेटा है, वो जो टोटल एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो टोटल मल्टी कैप फंड्स के अंदर में है, दैट इज 1.46 लाख करोड़, मोटा मोटा 1.5 लाख करोड़ के आसपास में है, जिसमें से लार्ज कैप का जो एक्सपोजर है दैट इज 16.9% और स्मॉल एंड मिड कैप का एक्सपोजर है वो 31% के आसपास है। तो सब नई रेगुलेशन के बाद में कुछ चेंजेस होने वाले हैं और जो टॉप होल्डिंग्स है उन पर नजर बनाकर रखिएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो टॉप होल्डिंग्स है, टॉप 5 होल्डिंग्स दोस्तों जो मिड कैप शेयर्स हैं और जो टॉप 5 होल्डिंग्स जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं। ये आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले एयू स्मॉल, जिसकी होल्डिंग परसेंटेज है 0.79%, बहुत थोड़ा लग रहा होगा पर दोस्तों कितना पैसा लगा हुआ है, 1156 करोड़, 1156 करोड़ रुपीज। जुबिलेंट फूड में 0.64% होल्डिंग रखते हैं। जो मिड कैप होल्डिंग है मल्टी कैप फंड्स में 931 करोड़। SRF 0.56, 826 करोड़। BEL 0.51% होल्डिंग, 740 करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं मल्टी कैप फंड्स ने इसमें। रैमको सीमेंट्स में 712 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा है, विच मेक्स 0.49% ऑफ द होल्डिंग। नाउ कम टू द 5 स्मॉल कैप फंड्स विच आर टॉपिंग इन मल्टी कैप फंड्स। हियर दे आर: वैभव ग्लोबल 0.36, 523 करोड़ रुपीज आगे रखे हैं इसमें। लिंडे इंडिया 0.27% की होल्डिंग है, 393 करोड़ रुपीज इसमें निवेश किया गया है। PVR में 0.23% की होल्डिंग है, 330 करोड़ रुपीस इसमें लगाए हुए हैं। Persistent में 0.21%, 314 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। KEC International आपने सुना होगा 0.18% की होल्डिंग, 269 करोड़। दोस्तों, ये होल्डिंग आपके सामने लाने का एक ही मकसद है, आप इनको स्टडी कीजिए। मैं भी इन सभी 10 की 10 होल्डिंग्स पे एक-एक वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा, इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, इनके टेक्निकल्स देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 के बाद आने वाले फरवरी 2021 तक क्या ये आने वाले कुछ महीनों में हमें कोई चाल दिखाई देती है, क्या इनके टारगेट्स होंगे। दोस्तों, बने रहें, वीडियो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है मल्टी कैप फंड्स के ऊपर और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के ऊपर। डिटेल्ड वीडियो, बहुत सारी वीडियोज आने वाली, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूं। बने रहे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।